जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सोना 24 एम एम राहुल सिंघानिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों की जो है बिहार से दोस्तों एक बहुत ही जो है शानदार वैकेंसी के सामने आई दोस्तों ICDS। बताना चाहूँगा दोस्तों कि बिहार ICDS MTS एंड DO रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में बताना चाहूँगा। काफ़ी एक यूनिक मौका इस फ्रेंड्स आप सभी के लिए, जो कि बिहार महिला एवं बाल विकास निगम ICDS की द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड्स। और इस वैकेंसी के रिलेटेड जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजना 2024 अंतर्गत जो है रिक्त पदों में जो है संविधा आधारित जो है नियोजन की जो है हेतु विभिन्न जिलों में दोस्तों बिहार के हर एक जिले में जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें जो है सुयोग्य अभ्यर्थी जो है दोस्तों आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी एक यूनिक मौका फ्रेंड्स। बताना चाहूँगा इसमें जो है साफ साफ दिया हुआ फ्रेंड्स कि जो है इस जो है ICDS में जो है फ्रेंड्स जो कि हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई फ्रेंड्स, जो वैकेंसी होने वाली है इसमें जो है बिहार के हर एक जिले में जो है ये वैकेंसी होने वाली फ्रेंड्स और संविधा आधारित वैकेंसी होने वाली है। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें जो है जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है आपकी पोस्ट नेम है। और बताना चाहूँगा इसमें जो है सैलरी जो है 12,000 से लेकर 21,000 रुपये रखा गया है। फॉर्म आप जो है ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। जॉब टाइप आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। बताना चाहूँगा दोस्तों कि सभी जिले में अलग अलग डेट जो है दिए जा रहे हैं। इसके लिए जो है संबंधित जिले में जो है नोटिस भी जारी किया जा रहा है, मतलब जो जो जिले में वैकेंसी निकल रही है उनका जो नोटिस जारी कर दिया जा रहा है फ्रेंड्स। और इसमें अच्छी खबर ये है फ्रेंड्स कि आपको जो कोई एग्जाम फी नहीं लगने वाली है, आपकी कोई एग्जाम नहीं होगी, सीधी सिलेक्शन है फ्रेंड्स। हम आपको जो है आगे प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बचेगा सी है फ्रेंड्स, मेल और फीमेल दोनों पर्सन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी एक यूनिक मौका आप सभी के लिए। तो हम आगे बात कर रहे थे फ्रेंड्स इसमें जो है जनरल EWS उम्मीदवार के लिए जो है तो जो है 18 से 37 ईयर्स जो है एज रखा गया है, और जनरल EWS फीमेल्स के लिए 18 से 40 ईयर्स एज रखा गया है। वही अगर बात करें BC EBC के लिए 18 से 40 है और ST के लिए 18 से 42 एज रखा गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें जो है अलग अलग कैटेगरी पे चार पदों पर वैकेंसी होने वाली है, जो कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के DO के पदों पर वैकेंसी होने वाली है, MTS की पदों पर वैकेंसी होने वाली है फ्रेंड्स, लेखा सहायक की पदों पर वैकेंसी होने वाली है, और वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ की पदों पर जो वैकेंसी होने वाली है। सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया फ्रेंड्स, जो कि हम बताना चाहूँगा कि जो है MTS के लिए दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त से जो है आपको जो इंटर होना पास अनिवार्य है फ्रेंड्स। और वही अगर बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आपको जो डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो है कंप्यूटर IT में जो है स्नातक का अनुभव होने चाहिए फ्रेंड्स आपको जो है। और अगर आप किसी गैर संस्था सरकारी संस्था में कहीं भी अगर काम किए उनके अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेखा सहायक में दोस्तों वाणिज्य में स्नातक यानी कि BCOM का अनुभव होनी चाहिए, और संबंधित क्षेत्र में अगर आपके पास अनुभव है तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों कि वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ में अर्थशास्त्र वाणिज्य में स्नातक होनी चाहिए, और वित्तीय साक्षरता वित्तीय शोषण जो है वित्तीय समावेशन में जो है आपकी जो है कोई अनुभव है तो वो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है काफ़ी एक यूनिक मौका है, आप किस जिले से हैं फ्रेंड्स वो आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड्स, जो कि हम आगे आपको बताऊँगा फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन भी देख के बताऊँगा, मतलब और नोटिफिकेशन भी जो है फ्रेंड्स आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले के ऊपर, आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि जो है अभी जो है प्रेजेंट में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में जो है वैकेंसी निकाली गई है, और नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स इसमें जो है खगड़िया जिले में वैकेंसी निकाली गई है। 2 जगह पर भी जो है प्रेजेंट में वैकेंसी चल रही है फ्रेंड्स। आप आगे हम जो है आपको बताऊँगा फ्रेंड्स कि आप किस प्रकार से जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सोना 24 एम को जो है सब्सक्राइब करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और जो है वीडियो में फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो है आप किस जिले से हैं फ्रेंड्स वो भी आप जो है कॉमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स जो है आप तक नोटिफिकेशन ही पहुँचेगी और आप जो है इस वैकेंसी से वंचित रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि बेगूसराय में जो इनकी जो है नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है तो वो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप डिस्प्ले के ऊपर देख पाएंगे कि जो है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजना अंतर्गत जो है रिक्त पदों पर संविधा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया है, जो कि जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है विज्ञापन संख्या 1/2023 के अनुसार से जो है प्रबंधक निर्देशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक नंबर इतना और दिनांक 27/9/2023 के जो है आलोक में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बेगूसराय में संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों को जो आवेदन हेतु आमंत्रित पत्र किया गया है फ्रेंड्स। अब देख पाएंगे इसमें जो है अलग अलग पदों पर जो है वैकेंसी होने वाली फ्रेंड्स, और
इसमें जो है सारा कुछ दिया हुआ है, जो कि आगे हम पहले प्रोसेस बताए थे, जो है तो डाटा इंटरप्रेटर की पदों वैकेंसी होने वाली है, लेखा सहायक हैं और MTS हैं और वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ हैं। सैलरी भी आप देख पाएंगे साइड में 21,000, 16,000 हैं, 13,500 हैं और 12,000 हैं। हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन जो है एवं पद उल्लेख करते हुए विज्ञापन का प्रकाशन की तिथि से दिनांक 15 दिन तक जो है अपना आवेदन पत्र जो है प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र अंक प्रमाणित जो है छाया प्रति के साथ संलग्न करते हुए आपको जो है ईमेल आईडी पे जो है भेजना है। ये ईमेल आईडी आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसी ईमेल आईडी पे जो है आपको भेजना है फ्रेंड्स 15 दिन के अंदर, जो कि डेट जो है फ्रेंड्स आपको बताऊँगा कि जो है 20 जनवरी तक जो है इसका लास्ट डेट है फ्रेंड्स बेगूसराय की। इसमें आप देख पाएंगे दोस्तों कि एक से अधिक पदों के लिए जो है आपको अलग अलग से जो है आवेदन मान्य होगी। मतलब अगर दो पदों पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दो बार फॉर्म भर के उसी ईमेल आईडी पर सिंपली भेज देना है ना। इसमें आपको कोई ईमेल एग्जाम फी लग रहा है ना कोई इसमें जो है एग्जाम होगी, तो आप सिंपली जो है आप इस मतलब दो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी एक यूनिक मौका फ्रेंड्स आप सभी के लिए। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि चैनल पर जो है अपडेट बने रहेंगे और जो है अपना जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है कॉमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐड करने के बाद जो है आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि जो है जैसे इनकी जो फंड रिफंड निकलती है फ्रेंड्स, तो हम आपको जो है सीधी सीधी इनकी वीडियो अपलोड करेंगे फ्रेंड्स और आप तक सटीक जानकारी अब तक पहुंचेगी फ्रेंड्स और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इनके बाद जो है खगड़िया में भी निकाला गया फ्रेंड्स, तो खगड़िया में भी जो है उसमें भी आप जो है नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे फ्रेंड्स। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे देंगे, उनके माध्यम से आप जो है चेक कर पाएंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।